हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमारी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट करने के बाद हम HTET और CTET और बाकी KVS के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एबिलिटी डेवलप हो, कि आपको पता चले कि वहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपको कैसे टैकल करना है. वहाँ पे एज अ टीचर आपसे पूछा जाएगा कि एज अ टीचर आप कैसे टैकल करेंगे किसी भी चीज़ को यूज़ करके, क्या वो टेक्निक्स हों, स्किल्स हों, या जब जो भी आपने थ्योरीज पढ़ी हैं वो डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेंगे कि ये वाली थ्योरी है जैसे ट्रायल एंड एरर तो किसने दी, थ्रॉनडाइक ने, वो ऐसे नहीं पूछेंगे. वो क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम या एक ऐसी कंडीशन या सिचुएशन आपके सामने ऐसे रख देंगे कि आप ऐसा टीचर वहाँ पे कैसे टैकल करेंगे, बच्चों के लिए अप्रोप्रिएट तरीके से कैसे अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाएंगे. ठीक है, तो उसके लिए ताकि आपको पता चले कि क्वेश्चंस कैसे मेंटेन किए जा रहे हैं, एंड जो बच्चे CTET के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, आप उसके लिए भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सारे. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. हमारी HTET प्रीवियस ईयर की ये थर्ड सीरीज है. इसमें तो हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्तमान शिक्षा व्यक्ति को जीवन से अलग करती है क्योंकि प्रेजेंट डे एजुकेशन कट्स ऑफ द मेन फ्रॉम लाइफ बिकॉज यह एक जीवन का समग्र भाग नहीं है. इट इज़ अ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. इट इज़ अनेबल टू प्रोवाइड ब्रेड एंड बटर बेटर टू मेन. एक व्यक्ति को दाना पानी देने के लिए असमर्थ है, इसीलिए यह व्यक्ति को नौकरी देने में असमर्थ है, यानी कि टू अनेबल प्रोवाइडिंग द जॉब. एंड ये व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती है, यानी कि अनेबल टू फुलफिल द बेसिक नीड्स ऑफ मैन. ठीक है, तो आज की जो वर्तमान शिक्षा है, जो आज की हमारी एजुकेशन मिल रही है, वो कैसी है, वो है हमारी यह जीवन का समग्र भाग नहीं है, यानी कि इट इज़ नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लाइफ. ठीक है, जीवन का एक छोटा सा भाग जरूर है लेकिन समग्र भाग नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, टीचर शुड प्ले मेनली द रोल ऑफ. शिक्षण की आधुनिक संकल्पना के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए, कि मॉडर्न कॉन्सेप्ट जो हमारा कहता है टीचिंग का, उसके अनुसार एक टीचर को कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी प्ले करनी चाहिए या कैसी भूमिका निभानी चाहिए, एज अ फिलोसोफर, एज अ फ्रेंड, एज अ वर्किंग पार्टनर और एज अ इंस्ट्रक्शन, यानी कि दार्शनिक के रूप में निभानी चाहिए, मित्र के रूप में निभानी चाहिए, कार्य सहभागियों के रूप में निभानी चाहिए या अनुदेशन के रूप में निभानी चाहिए. तो यहाँ पे आपका आंसर आता है वर्किंग पार्टनर, यानी कि कार्य सहभागी के रूप में एक टीचर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट आता है, विच सोर्स विल प्रोवाइड मैक्सिमम एंड अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट अ सब्जेक्ट. एक विषय पर सर्वाधिक एवं आधुनिकृत सूचना किस स्रोत से प्राप्त होती है. ये आपका ऑप्शन है विश्वकोश, यानी कि एंक्लोपीडिया, सेकंड है इंटरनेट, एंड थर्ड है आपका लेटेस्ट एकेडमिक जर्नल्स, यानी कि नवीनतम एकेडमिक पत्रिकाएं जो होती हैं आपकी, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस. तो आप किसके द्वारा कर सकते हैं जो अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हैं. तो अभी आपको भी पता है कि आप भी अपने घर पे रहते हैं, अभी जैसे आप मेरे से पढ़ रहे हैं या आपने क्लासेस ली हैं, वो किससे लिए, सारी ऑनलाइन ही ली है. अप टू डेट रहने के लिए किसका यूज़ करते हैं ज़्यादातर हम, इंटरनेट का. ठीक है, नेक्स्ट आता है, सम स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हैव बिकम इंटेंटिव, विच स्ट्रैटेजी वुड यू यूज टू रिगेन देयर अटेंशन. आपकी कक्षा के कुछ छात्रों का ध्यान पढ़ने से हट गया है. ठीक है, तो आप उनका ध्यान पुनः केंद्रित कैसे करेंगे. आप ब्रीफली फिजिकल एक्टिविटी, छोटी सी शारीरिक क्रिया करवा के, सेकेंड आपका थोड़ी देर के लिए कक्षा को निलंबित करना, मतलब आप क्लास को पोस्टपोन कर देंगे थोड़े टाइम के लिए. थर्ड आता है छात्रों का ध्यान लगाने के लिए, आस्किंग द चिल्ड्रन टू द अटेंटिव, एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन है आपका कक्षा को खेल के लिए भेजना, मतलब कक्षा को खेल के लिए भेजना, फोर्थ ऑप्शन आपका, यानी कि स्टैंडिंग
द क्लास आउट फॉर अ गेम्स. ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर है फोर्थ का कि आपको कक्षा में जो बच्चों का पुनः ध्यान केंद्रित करना है वो आप कैसे कर सकते हैं, छात्रों को ध्यान लगाने के लिए कहना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, आस्किंग चिल्ड्रन टू द अटेंटिव, उनको ध्यान लगाने के लिए कहना. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है आपका, जब अध्यापक प्रथम बार कक्षा कक्ष में प्रवेश करे तो उसे बात करनी चाहिए. जब एक टीचर अपनी क्लास में फर्स्ट टाइम एंटर करता है तो उसको किस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए, स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन के बारे में बात करनी चाहिए, स्कूल हेडमास्टर के बारे में बात करनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक यानी कि टेक्स्ट बुक के बारे में बात करनी चाहिए, और अपने और छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए, यानी कि हिमसेल्फ और स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे अपने और छात्रों के बारे में बात करनी चाहिए, उसको पहले एक बाउंडिंग क्रिएट करनी चाहिए किसी भी टीचिंग करवाने से पहले एक बाउंडिंग डेवलप करनी चाहिए अपने और स्टूडेंट्स के बीच, ताकि बच्चे उसको उससे अच्छे से सीख सकें. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सिक्स क्वेश्चन, द एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय महात्मा गांधी इज नोन एज, महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई जो शिक्षा प्रणाली मानी जाती है वो कौन सी है. ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेसिक एजुकेशन सिस्टम यानी कि बुनियादी शिक्षा प्रणाली. सेकेंड, वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम यानी कि व्यवसायी शिक्षा प्रणाली. थर्ड है आपका चिल्ड्रन एंड सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली. एंड फोर्थ है आपका हस्तकला शिक्षा प्रणाली यानी कि हैंडीक्राफ्ट एजुकेशन सिस्टम. तो जो महात्मा गांधी ने दी थी वो आपकी दी थी बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक एजुकेशन सिस्टम. क्वेश्चन नंबर सेवन, अध्यापक का कौन सा कार्य उपयुक्त अधिकम वातावरण बनाने में मदद नहीं करता. एक टीचर कौन सा ऐसा कार्य उसका एक एप्रोप्रिएट यानी कि क्रिएटिंग प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प नहीं करता है. फर्स्ट है प्रोवाइडिंग द चिल्ड्रन विद फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी, बच्चों को सुरक्षा की भावना देना. गिविंग द चिल्ड्रन सेंस ऑफ फ्रीडम, बच्चों को स्वतंत्रता का भाव देना. अलाउइंग चिल्ड्रन द सिटीजन अदर्स चिल्ड्रन, अलाउइंग चिल्ड्रन टू क्रिटिसाइज अदर चिल्ड्रंस, बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना. बच्चों को निर्भय बनाना यानी मेकिंग चिल्ड्रन फियरलेस. ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा जो पॉइंट है वो एक प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हेल्पफुल नहीं है. ऑफकोर्स बच्चों को अन्य बच्चों की आलोचना करने देना, हमें बच्चों के अंदर ये वाली फीलिंग्स तो डालनी नहीं है कि किसी को गलत बोलो, आलोचना करो, ये सारी चीज़ें. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉजेज ऑफ टॉरेंसिस ऑफ स्टूडेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा छात्रों के पलायन का कारण नहीं होता. फर्स्ट है अरुचिकर विद्यालय कार्यक्रम, अध्यापक का पक्षपातपूर्ण व्यवहार, सी है आपका बहुत अधिक गृह कार्य, और फोर्थ है आपका बहुत अधिक छुट्टियां. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आता है एट्थ का, बहुत अधिक छुट्टियां यानी कि टू मेनी हॉलीडेज. ठीक है, जो बच्चों के लिए कॉजेज है टॉलरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स के लिए वो है टू मेनी हॉलीडेज. नाइन्थ है आपका क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हेन अ टीचर गिव्स अ लर्नर द सेंस ऑफ सक्सेस ही इज यूजिंग, जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है कौन सा नियम, कौन सा लॉ उपयोग कर रहा है. तत्परता का नियम यानी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ मेंटल सेट. ठीक है, यानी कि तत्परता का नियम रेडी कर रहा है, अभ्यास का नियम अप्लाई कर रहा है, प्रभाव का नियम अप्लाई कर रहा है, या मानसिक तत्परता का नियम अप्लाई कर रहा है. बट जो टीचर वहाँ पे अप्लाई कर रहा है वो कर रहा है अभ्यास के नियम का यानी कि द लॉ ऑफ प्रैक्टिस. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू नेचुरलाइजिज्म द सेंटर ऑफ एजुकेशन शुड बी प्रकृतिवादी के अनुसार शिक्षा का केंद्र होना चाहिए. जो प्रकृतिवादी मानते हैं आपके नेचुरलिज्म जो है हमारे, तो वो क्या मानते हैं कि जो भी शिक्षा दी जा रही है उसको सेंटर में, जो हमारी एजुकेशन दी जा रही है उसका सेंटर क्या होना चाहिए. टीचर होना चाहिए,
चाइल्ड यानी कि बालक होना चाहिए, पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम होना चाहिए, या नॉन ऑफ दी एबव इनमें से कोई भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर है चाइल्ड यानी कि बालक होना चाहिए। 11th क्वेश्चन आपका, अ स्टूडेंट ऑफ फोर क्लास इज इन द हैबिट ऑफ टेलिंग अ लाई, हाउ वुड यू डील विद देम विद हिम। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी में झूठ बोलने की आदत है, आप उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? ठीक है, फर्स्ट टेल हिम नॉट टू टेल अ लाई, झूठ ना बोलने के लिए कहेंगे। पनिश हिम, उसको सजा देंगे। जस्ट इग्नोर हिम, उसको इग्नोर कर देंगे, उसे विश्वास में लेंगे और परामर्श देंगे। विल टेक हिम इनटू कॉन्फिडेंस एंड काउंसलिंग, आप पहले उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले उसका विश्वास जीतेंगे, उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उसको शॉर्ट आउट करने के लिए क्या है, काउंसलिंग देंगे। तो आंसर इसका होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्ट प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ द टैलेंटेड चिल्ड्रन इज, प्रतिभावान बच्चों की शिक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रावधान क्या है? एबिलिटी ग्रुपिंग, योग्यता के आधार पर समूह बनाना, गिविंग डेवलप प्रमोशंस यानी कि दोहरी कक्षा उन्नति दे देना उनको, कार्यक्रम को समृद्ध बनाना यानी कि इंक्रीजिंग प्रोग्राम, एंड विशिष्ट विद्यालयों का प्रावधान करना यानी कि प्रोवाइडिंग स्पेशल स्कूल्स। इसका आपका आंसर होगा 12 का, कार्यक्रम को समृद्ध करना यानी कि आपका ऑप्शन थर्ड। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार शिक्षा पर निवेश कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रतिशत होना चाहिए। एज पर नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, परसेंटेज ऑफ नेशनल एजुकेशन मस्ट बी इन्वेस्टेड ऑन एजुकेशन। ठीक है, कितना एजुकेशन पे प्रतिशत उनको देना चाहिए, 6%, 10%, 4% या 3%? तो इसका आंसर होगा आपका 6%। स्कूल प्रशासन कमजोर बच्चों के लिए आयोजित अतिरिक्त कक्षाओं में से कुछ आपको आवंटित करता है, एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? मीन्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन असाइन यू सम एक्स्ट्रा क्लासेस विच आर मीन फॉर अ वीक स्टूडेंट। आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए बोला जाता है जो कि एक वीक स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। व्हाट वुड योर रिएक्शन एज अ टीचर, तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे एज अ टीचर कि आपको लेनी चाहिए क्लासेस या नहीं लेनी चाहिए, नेग्लेक्ट करेंगे या सपोर्ट करेंगे, जो भी है। या ऑप्शन देख लेते हैं, प्रतिवाद करेंगे और कक्षा नहीं लेंगे, प्रोटेस्ट एंड नॉट टेकिंग अ क्लास, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे, क्लासेस नहीं लेंगे, रिक्वेस्ट रिकंसीडरेशन ऑफ द डिसीजन, अब रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पे पुनः विचार कर लें, टेल स्टूडेंट टू प्रिपेयर देयर ओन, विद्यार्थियों से कहेंगे कि वो स्वयं ही तैयारी कर ले जो वीक स्टूडेंट्स हैं, एंड फोर्थ एक्सेप्ट इट एज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ऑफकोर्स ये बात है, आंसर होगा इसका फोर्थ कि आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है 15 आपका, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लेक्चरिंग एज अ मैथड ऑफ टीचिंग। जो आपका लेक्चर मैथड है, जो लेक्चर मैथड होता है वो टीचिंग में कैसे यूजफुल है, या टीचिंग के लिए क्या क्या बातें रखी गई हैं लेक्चर मैथड के लिए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें देखना है कि यहाँ पे सही है या गलत है। ठीक है, तो इसके लिए देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, सूचना प्रदान करने की यह एक कुशल विधा है, यानी कि इट इज़ एन एफिशिएंट मेथड ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन। बिल्कुल सही, इन्फॉर्मेशन देने का बहुत अच्छा मेथड है लेक्चर मेथड। इट इज़ एन एफिशिएंसी वे टू मेकिंग अ स्टूडेंट थिंक क्रिटिकल, बच्चों को क्रिटिकली यानी कि आलोचनात्मक दृष्टि से सोचने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका आंसर होगा 3, बोथ ए एंड बी, दोनों ही आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व शिक्षक को, यानी कि बिफोर स्टार्टिंग अ टीच अ टीचर मस्ट, क्या काम करना चाहिए कोई भी शिक्षण विधि स्टार्ट करने से पहले? मेक द स्टूडेंट्स स्टैंड, बच्चों को खड़ा कर देना चाहिए, मेक द स्टूडेंट्स मेंटली रेडी, बच्चों को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए, क्लीन द ब्लैक बोर्ड, शाम पट को साफ करना चाहिए,
छात्रों को चुप रहने के लिए कहना चाहिए, यानी कि आस्क द स्टूडेंट्स टू कीप साइलेंस. ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा कि बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना चाहिए. पहले अपनी किसी भी जो भी आप टीचिंग करा रहे हैं उसके लिए आपको पहले बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करना है, उनकी प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, शिक्षण करते समय आपको लगे कि जो कुछ भी पढ़ाया जाता है वह सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? जो कुछ भी पढ़ाया गया है वो सही नहीं है तो आप क्या करेंगे? विल टीचिंग इफ़ यू रियलाइज दैट व्हाट यू हैव टॉट इज नॉट करेक्ट, यू वुड पहला लीव द टॉपिक अनफिनिश्ड एंड शिफ्ट द अनदर. पहला टॉपिक क्या है बीच में ही छोड़ देंगे और दूसरे टॉपिक स्टार्ट कर देंगे. टेल द स्टूडेंट दैट इज वॉज अ मिस्टेक एंड करेक्टेड, छात्रों से कहेंगे कि गलती हुई है और उसे ठीक करेंगे. थर्ड है डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट, बच्चों का ध्यान भटका देंगे उधर से. और फोर्थ है आपका स्कॉल्ड स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स को क्या है बच्चों को डांट लगाएंगे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बनता है सेकंड, टेल द स्टूडेंट्स दैट इट वाज अ मिस्टेक एंड करेक्टेड, आप बच्चों से बोलेंगे कि यहाँ पे गलती हुई है एंड उसको ठीक करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. सलीम इज अ वेरी गुड इन अ म्यूजिक बट is not able to do well in the mathematics. जो सलीम है वो बहुत अच्छा है संगीत में लेकिन mathematics यानी कि maths में गणित में वो अच्छा नहीं करता है. As a teacher of mathematics, आप एक गणित के शिक्षक हैं, mathematics के teacher हैं, how will you handle सलीम? तो आप सलीम को कैसे handle करेंगे इस situation में? Tell him that music does not have a future. आप उसको बोलेंगे कि music में कोई future नहीं है, कोई उसका भविष्य नहीं है. टेल हिम टू लीव म्यूजिक एंड स्टडी मैथ, उसको बोलेंगे कि म्यूजिक को छोड़ दे और मैथ्स पे ध्यान दे. कॉल हिज पेरेंट्स एंड टॉक देम, उसके पेरेंट्स को बुलाएंगे और उसकी शिकायत करेंगे, बात करेंगे. एंड टेल हिम दैट कैन डू वेल इन मैथामेटिक्स एंड एक्सप्लेन द मैथामेटिक कॉन्सेप्ट टू हिम. आप उसको सपोर्ट में लेंगे कि आप गणित में भी अच्छा कर सकते हो और उसको मैथामेटिकली जो कॉन्सेप्ट है उसके क्लियर करेंगे. तो आंसर होगा इसका फोर्थ. 19, अ टैलेंटेड चाइल्ड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड थ्रू ऑब्जर्वेशन बिकॉज, एक प्रतिभावान बालक की पहचान अवलोकन द्वारा नहीं की जा सकती. क्योंकि क्या रीज़न है कि अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम एक टैलेंटेड बच्चे को नहीं पहचान सकते हैं? फर्स्ट आता है इसका, ऑब्जर्वेशन इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेक्निक, कि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ टेक्निक नहीं है. इसीलिए सब्जेक्टिव टेक्निक्स नहीं है यानी कि व्यक्तिगत निष्ठ प्रविधि नहीं है इसलिए. और ऑब्जर्वेशन इज यूज बाय दोज हु आर एक्सपर्ट, ऑब्जर्वेशन मेथड उसके थ्रू यूज़ किया जा सकता है जो एक्सपर्ट्स होते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड को अप्लाई करने के विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा. और फोर्थ आता है आपका ऑल ऑफ दी एबव, तो इसका आंसर होगा अवलोकन वस्तुनिष्ठ तकनीक नहीं है, यानी कि आंसर नंबर फर्स्ट कि ऑब्जर्वेशन इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव टेक्निक्स. क्वेश्चन नंबर 20, एक लंबे व्याख्यान को देते हुए अध्यापक को, विल डिलीवरिंग अ लॉन्ग लेक्चर व्हाट अ चिल्ड्रन शुड डू, कि एक लंबा व्याख्यान या लेक्चर दिया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? Should break in between, बीच में ब्रेक लेना चाहिए या विराम लेना चाहिए? सेकेंड ऑप्शन आता है should speak continuously, उसको लगातार बोलते रहना चाहिए. थर्ड है should ask question in between, बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए. और should change own postures, और अपने क्या है हाव भाव और पढ़ाते टाइम अपने हाव भावों का परिवर्तन करते रहना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है शुड आस्क द क्वेश्चन बिटवीन, आपको बच्चे के साथ बीच बीच में क्या इंटरेक्ट करते हुए क्वेश्चंस पूछते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है बच्चों का अटेंशन रिटेन होता रहता है और बच्चे भी बीच बीच में क्या है एक्टिव होते रहते हैं, आपको पता चलता रहता है कि कौन सा बच्चा कहाँ खोया हुआ है कहाँ नहीं खोया हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं. अ गर्ल ऑफ योर क्लास is interested in sports, want to pressure her career in sports. Question number 21 है आपका, a girl of your class
is interested in sports and wants to pursue her career in sports, what will you suggest her? एक जो आपकी क्लास की लड़की है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है और अपना जो करियर है वो स्पोर्ट्स में बनाना चाहती है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि गर्ल हैव नो फ्यूचर इन स्पोर्ट्स, कि लड़कियों का कोई भविष्य नहीं है स्पोर्ट्स में? सेकेंड आता है शी शुड पुट इन हार्ड वर्क टू द अचीवर हर एम्बिशंस, अपना जो भी उसका एम्बिशंस है सब स्पोर्ट्स के लिए उसको पूरा करने के लिए वो हार्ड वर्क करे. थर्ड है आस्क हर टू फोर्स ओनली आ फोकस ऑन सॉरी थर्ड आता है आपका आस्क हर टू बी फोकस्ड ओनली इन अकेडमिक्स, कि वो अपने अकेडमिक्स पे ध्यान दे और बाकी चीज़ों को छोड़ दे, पढ़ाई में केवल ध्यान दे. फोर्थ आता है आपका गर्ल्स कैन नॉट एक्सेल इन स्पोर्ट्स एज दे आर नॉट फिजिकली स्ट्रॉन्ग, जो लड़कियां हैं वो स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं कर सकती क्योंकि वो शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेकेंड, कि आप उसको हार्डवर्क करने के लिए और अपने एम्बिशंस को अचीव करने के लिए सपोर्ट करें. क्वेश्चन नंबर 22, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंटेलिजेंस, कि बुद्धि के लिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं चार, उनमें से कौन सी एक ट्रू नहीं है? पहली, बुद्धि सीखने की योग्यता है, इंटेलिजेंस इज़ अ एबिलिटी टू लर्न, बिल्कुल सही है. इंटेलिजेंस इज़ अ एबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ये भी सही है कि आप बुद्धि का प्रयोग किस लिए करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. इंटेलिजेंस इज़ अ एबिलिटी टू वर्क हार्ड, आप अपनी बुद्धि का यूज़ किस लिए करते हैं, कठोर बुद्धि या परिश्रम करने के लिए. एंड फोर्थ, इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू अडेप्ट द नोवल सिचुएशन, कोई भी अनुकूलित जो वातावरण होता है उसको उसमें योग्यता प्राप्त करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप करने के लिए. तो यहाँ पे नॉट ट्रू में कौन सी स्टेटमेंट आती है? स्टेटमेंट थर्ड, कि एक परिश्रम बनने के लिए हम बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है द मोस्ट इफेक्टिव इवैल्यूएशन मेथड इज, सर्वाधिक प्रभावी मूल्यांकन पद्धति है यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन मेथड, एग्जामिनेशन विद बुक मेथड, कि हमें क्या वार्षिक परीक्षा लेनी चाहिए या एग्जामिनेशन विद बुक मेथड सुपुस्तक परीक्षा लेनी चाहिए, और सेमेस्टर मेथड, कि सेमेस्टर वाइज लेना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मेथड टाइप लेना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर है बच्चों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर मेथड. नेक्स्ट आता है मैच द फॉलोइंग्स, आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इधर भी चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनका मैच आपको अप्रोप्रिएट करना है. तो देखते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर आपका क्या है, विजुअल है, ऑडियो है, ऑडियो विजुअल है या प्रोजेक्टिव है, तो मींस प्रोजेक्टिव है. ठीक है, टीवी आपका क्या है, टीवी से आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं, तो यानी कि ऑडियो विजुअल है. चार्ट आपका क्या है, चार्ट सिर्फ आप देख सकते हैं, सुन तो सकते हैं नहीं, चार्ट बोलता थोड़ी है, तो आपका विजुअल है. और वॉइस रिकॉर्डर क्या है, आपका ऑडियो है जिसको आप सुन सकते हैं. तो यानी कि ए का होगा फोर्थ, बी का होगा आपका थर्ड, चार्ट यानी कि सी का होगा आपका ए, और डी का होगा आपका सेकेंड, यानी कि आपका आंसर होगा इसमें ए. ठीक है, नेक्स्ट करते हैं द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, पद व्यापक मूल्यांकन का तात्पर्य है, जो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसका क्या मूल्यांकन है, उसको हम किस रूप में रखते हैं. इवैल्यूएशन कंडक्टेड एट सर्वल पॉइंट ऑफ टाइम, अलग अलग समय की क्रिया, अलग अलग समय पर किया जाने वाला मूल्यांकन. इवैल्यूएशन बाय ग्रुपिंग द टीचर्स, अध्यापकों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला मूल्यांकन. सर्वल टेस्ट फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, एक लंबी अवधि के लिए टेस्ट प्रिपेयर करना. और फोर्थ है इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम एंड को करिकुलम आस्पेक्ट्स ऑफ पीपल ग्रोथ, यानी कि विद्यार्थियों का शैक्षिक और अशैक्षिक पक्षों को ध्यान में रख के जो इवैल्यूएशन किया जाता है वो आपका कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होता है. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका फोर्थ. क्वेश्चन नंबर 26, द कैपेसिटी टू अरेंज ऑब्जेक्ट्स सीरियली इज डेवलप्ड
इन द चाइल्ड व्हेन ही इज़ इन, वस्तुओं को एक क्रम में लगाने की जो बच्चे के अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाती है वो कौन सी स्टेज के अंदर हो जाती है। फर्स्ट आता है आपका सेंसरी, यानी कि 0 से 2 साल तक का बच्चा किसी भी वस्तु को क्रम में लगा सकता है। पूर्व क्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये आपकी 3 से 5 साल की अवस्था, राइट। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि 5 से 7, और आपकी फॉर्मल यानी कि 7 से 15, सॉरी यहाँ पे कुछ प्री ऑपरेशनल स्टेज है ना, हाँ ये 5 से 7 है आपकी, ये 7 से 11 है आपकी, और ये 11 से, इसको 11 कर लीजिए, 15 है, ठीक है। तो ये ऐसे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, हाँ। तो आपकी सेंसरी मोटर स्टेज क्या है, 0 से 2 होती है, फिर आपकी प्री ऑपरेशनल 3 से 7 होती है, कंक्रीट होती है आपकी 7 से 11, और फॉर्मल होती है आपकी 11 से 15। तो कौन सी एज में बच्चा ऑब्जेक्ट्स को क्या है सीरियल वाइज लगाना सीख जाता है, तो बच्चा सीरियल वाइज किसी भी चीज़ को लगाना कौन सी स्टेज में सीख जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज में, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, अधिगम स्थानांतरण की योग्यता को बढ़ाने के लिए अध्यापक को नहीं करना चाहिए, जो फॉर इंसर्सिंग द एबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग द टीचर शुड नॉट, टीचर को क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अपने ट्रांसफ़र लर्निंग के बीच में, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट आता है इनकरेज सेल्फ एक्टिविटी, सर्व क्रिया को प्रोत्साहित करना, इनकरेज द हैबिट ऑफ रोट लर्निंग कि रटने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सूझ द्वारा सीखने का विकास करना यानी कि हैबिट टू लर्निंग बाय इनसाइट, एंड सामान्यकरण पर बल देना, एम्फेसाइज ऑन जर्नलाइजेशन। तो क्या नहीं करना चाहिए, रोट लर्निंग पर बल नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन अ चाइल्ड मिसप्रोनाउंस अ वर्ड What will you do? जब कोई बच्चा किसी शब्द को गलत बोलता है, गलत उच्चारण करता है, तो आपको क्या करना चाहिए? Tell don't say like this, उसे कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। Tell the correct pronunciation, यानी कि शुद्ध उच्चारण बताएंगे। Rebuke the child from wrong pronunciation, यानी कि गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे। और last one है आपका ध्यान नहीं देंगे, यानी कि ignore कर देंगे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बच्चे को टेल द करेक्ट प्रोनंसिएशन, यानी कि आप बच्चे को सही उच्चारण करना बताएंगे। 29 क्वेश्चन नंबर आपका, द बेसिस ऑफ इफेक्टिव एंड सक्सेसफुल लीडरशिप इज, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है, जो एक लीडर है वो एक अच्छा लीडर कैसा होता है, या जब वो लीडरशिप की भावना व्यक्त कर रहा है तो उसको इफेक्टिव और एक सक्सेसफुल लीडर हम किसे कहेंगे, जो प्रशंसा करे, एप्रिसिएशन करे, संपूर्ण समूह का हित करे यानी कि द इंटरेस्ट टू एंटायर ग्रुप, एंड समूह की सेवा करे यानी कि एक तरह से जैसे चापलूसी होती है या सर्विसेज इन द ग्रुप होता है वो करे, एंड स्वयं का हित करे यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट, खुद के बारे में सोचे। तो इसका आंसर होगा द इंटरेस्ट द एंटायर ग्रुप, कि वो संपूर्ण समूह का हित करे, उसके समूह में जो भी बच्चे हैं, जो भी उसके अंडर आते हैं, सबको ध्यान में रख के अपना नेतृत्व करे, ठीक है। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ द विजुअल अ गुड सिटीजन कैन बी इंक्लूकेट अमॉन्ग स्टूडेंट्स, छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर, लेक्चर देम ऑन द गुड सिटीजनशिप। सेकेंड है उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, बाय फॉर्मलाइजेशन देम विद द नेशन हीरोज़, जो भी आपके नेशन हीरोज़ रहे हैं उनसे मिलवाकर। थर्ड है आपका उन्हें कांतिप्रिय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके, यानी कि इंसाइनिंग देम सम कम्युनिटी सर्विसेज वर्क, उनको स्वयं कार्य करने के लिए इच्छुक करना, उनको ग्रुप में डालना ऐसे जहाँ पे वो खुद कार्य करके सीखें। और चौथा है आपका, यानी कि लास्ट फोर्थ ऑप्शन है आपका, बाय फॉर्मलाइजेशन देम विद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान से परिचित कराकर। तो आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि आप उनको ऐसे सर्विस करने के मौके प्रदान करेंगे जिसमें बच्चा क्या है खुद करके सीखेगा, ठीक है।
तो आज का इस लास्ट क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है यहाँ पे. नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चंस पे बात करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.